मुस्लिम पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झूठो बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी है। पृथ्वी जी, ये क्या लेकर के आए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सत्ता के द्वारा लगातार एक सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसी राजनीति तैयार की जा रही है जिसमें समाज में जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो अलग अलग धर्मों के बीच में, अलग अलग समुदाय के बीच में, और ख़ास करके जो व्यापक मेहनतकश जनता है, उसकी लड़ाई और उसकी एकता जो है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए सांप्रदायिकता की राजनीति फैलाई जा रही है, और हम लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। आज जब हम रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकउल्ला खां के साथ मिलके साझे संघर्ष को याद कर रहे हैं, जो दो अलग अलग, कहने को दो अलग अलग धर्मों के थे, लेकिन उन्होंने देश के गरीबों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, देश के दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शोषित पीड़ित जनता हैं, उनकी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी विरासत कभी भी विभाजन की नहीं है, हमारी विरासत रही है साथ मिलकर संघर्ष करने की। जो व्यापक जनता है, जो गरीबी से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, जो बेरोजगारी से परेशान है, जो तेल के, खाने के तेल के 200 रुपये और चलाने वाले तेल के 125 रुपये होने की मार को झेल नहीं पा रहा है, जो आज भी जब सब्जी वाले के पास जाता है तो नींबू के दाम सुन के डरता है, जो आज भी खाने के लिए तरसता है, दो वक्त की रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, लेकिन हमें इन मुद्दों से भटकाया जाता है और लगातार हमें धर्म की राजनीति परोसी जाती है, जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जो साझी विरासत है हमारी, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख की, अशफाक और बिस्मिल की, भगत सिंह की, और तमाम उन क्रांतिकारियों की, प्रगतिशील विचारकों की, संघर्षशील जनता की, उसकी विरासत को हम याद रखेंगे और उस संघर्ष को आगे लेके जाएंगे। पिछले दिनों में जो हालात देखने को मिले हैं जी, और शायद उसी का नतीजा है जो आप ये पोस्टर भी लेकर के आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बीते दिनों जो हालात बनाए जा रहे हैं, सत्ता के द्वारा बनाए जा रहे हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में लड़ाई हो, ताकि जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटके, हमें सरकार से लगातार ये सवाल पूछना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हम धर्म के नाम पर टूटेंगे नहीं। हम लगातार व्यापक मजदूर जनता, चाहे वो गरीब मुसलमान हो, चाहे वो गरीब हिंदू हो, चाहे वो गरीब ईसाई हो, अगर गरीब है, वो मजदूर है और मेहनत की रोटी के लिए तरस रहा है, तब उसके लिए धर्म से ज़्यादा उसके पेट का सवाल है। क्यों नहीं हम पेट का सवाल उठाएं? क्यों नहीं आज हम ये संदेश दें कि धर्म की राजनीति नहीं, हम देश के मजदूरों की राजनीति करेंगे, देश में गरीबी से मुक्ति की राजनीति करेंगे, देश में भुखमरी से मुक्ति की राजनीति करेंगे, बेहतर शिक्षा की राजनीति करेंगे, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की राजनीति करेंगे। क्यों नहीं हम सांप्रदायिकता के खिलाफ, क्यों नहीं हम जातिवाद के खिलाफ, क्यों नहीं हम तमाम तरह के शोषण के खिलाफ संघर्ष करेंगे? ये आह्वान देने हम यहाँ आए हैं, और हमें ये यकीन है कि ये देश की जनता धर्म के आधार पर नहीं बटेगी, बल्कि देश की जनता व्यापक मेहनत कसों की एकता को सामने लाएगी और उसके संघर्ष की जीत जरूर होगी। पृथ्वी जी, आप जो है यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ हैं, सवाल मेरा ये है कि मतलब ऐसे हालात क्यों बन जाते हैं, क्योंकि आप जैसे युवा साथी जो हैं लोगों को लगातार एकजुट होने की बात करते हैं, एक साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है ऐसे विचार लोगों के मन में क्यों आ जाता है कि ये हालात पैदा हो? देखिए, ये सीधे से सत्ता का प्रपंच है। हम लगातार देखते हैं जो भी सत्ता रही, चाहे अंग्रेज रहे, अंग्रेजों ने भी लगातार ये कोशिश की कि हम धर्म के नाम पर देश को बंटवारा कर दिए। आज लगातार आज की सरकार भी ये चाहती है कि धर्म के नाम पर देश बटे, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार की इस नाकाम साजिश को, सरकार की साजिश को हम नाकाम करें और देश को हम फिर से हिंदू और मुस्लिम, ईसाई, जाति, इन सब बंटवारों से दूर रखें। और जो संघर्ष है, जो असली संघर्ष है, मजदूरों का संघर्ष है, जो असली संघर्ष देश के महिलाओं का संघर्ष है, जो असली संघर्ष देश के गरीबों का, अल्पसंख्यकों का संघर्ष है, उस संघर्ष को आगे लाएं और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ें। और मैं आपके माध्यम से देश की पूरी जनता से ये अपील करूँगा कि आप भी साथ आइए और जो धर्म की नफरत की राजनीति है, इस नफरत की राजनीति को ख़त्म करिए और एक बेहतर समाज बनाने के संघर्ष में हमारे साथ आइए। अच्छा, कुछ ही दिनों पहले जो है, अभी फिलहाल अभी भी चल रहा है वो लाउडस्पीकर लगाने की बातचीत चल रही है, तो क्या उससे आप लोगों के मन में क्या चल रहा है जो अजान को लेकर के? देखिए, हम कह रहे हैं कि जो झगड़ा हो रहा है वो बेवजह है। हम कह रहे हैं कि
जो मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा क्या हो जरूरी है। हमें जो अलग अलग धर्मों के नाम पे, अजान के नाम पे, रामनवमी के नाम पे लगातार हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो गैर जरूरी है। और ये इसीलिए भाजपा द्वारा आज सत्ता द्वारा लाई जा रही है क्योंकि इसके सहारे उन्हें वोट मिलता है। हम कैसे इस वोट की राजनीति को, सांप्रदायिकता की राजनीति को ख़त्म करेंगे? क्योंकि वोट की राजनीति अगर चलेगी, सांप्रदायिकता की राजनीति अगर चलेगी, तो ये बहुत खतरे की बात है। और इस खतरे को हमें दूर करना होगा, और ये तभी दूर हो सकता है जब हम अपनी साझी संस्कृति और साझी विरासत को याद करेंगे। हम भगत सिंह के उन विचारों को याद करेंगे, हम लगातार चंद्रशेखर के उन विचारों को याद करेंगे, हम असफा के विचारों को याद करेंगे, हम बिस्मिल के विचारों को याद करेंगे, हम सावित्रीबाई फूले को याद करेंगे, हम याद करेंगे फातिमा शेख को, हम याद करेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज हमें ये देश दिया है। और हमें इस देश को और बेहतर बनाना है, ना कि धर्म की राजनीति से पीछे लेके जाना है।